आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त हम बांका जिला में हैं और लगातार बिहार पंचायत चुनाव से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने अभी भले ही पंचायत चुनाव का ऐलान ना किया हो, लेकिन आप देखेंगे प्रत्याशियों में होड़ सी लगी हुई है और तमाम जगह आपको पोस्टर और बैनर देखने को मिल जाएंगे। इस बीच हम पहुंचे हैं बांका प्रखंड के सुमुखिया पंचायत में। यहाँ के मुखिया विमल कुमार सोरेन जी हमारे साथ हैं और बड़ी अच्छी बात है, मुख्यमंत्री जी ने सोचा, अधिकारियों ने सोचा कि जब आप सीट रिजर्व करेंगे तो होगा आने वाले समय में सभी जाति धर्म के लोगों का उत्थान हो सके। इस बीच इस बार का पंचायत चुनाव ये सीट जो है वो फिर से रिजर्व रहने वाला है और यहाँ के वर्तमान मुखिया हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे कि इस पंचायत में पिछले 5 सालों में क्या कुछ काम इनके द्वारा किया गया और वर्तमान स्थिति में ये क्या कुछ और काम करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका मोबाइल न्यूज 24 में। आप बताएं कि आपके पंचायत में पिछले 5 वर्षों में आपके द्वारा जो कार्य किया गया वो क्या क्या है, थोड़ा संक्षेप। 2020 से जो पंचायत चुनाव कराया गया, जब निर्वाचन होकर चुनाव जीता, उन्होंने जितना काम नहीं किया 15 साल में उतना हमने 5 साल में काम करा के दिखा दिया। 7 निश्चय के अंतर्गत जो वार्ड को पैसा देना था हमने सही समय में पैसा दिया और सही समय में निगरानी करके जितना भी वार्ड में पैसा हमने दिया सारा काम करके पूरा करके। आप संतुष्ट हैं अपने पंचायत के विकास में जो इन 5 सालों में आपका योगदान रहा है उससे, और फिर जाएंगे हम पूर्व की बातों पर, उन सब बातों को भी रखेंगे। आपकी संतुष्टि है कि आपने जिस पद पे अभी कायम है उस पद का सदुपयोग करके वो विकास कार्य करके दिखाया जो अन्य नेताओं में नहीं था, अन्य मुखिया नहीं कर पाए? हाँ, हम पूर्ण रूप से हमको विश्वास है। चलिए, अब एक सवाल और है आपसे। आगामी पंचायत चुनाव है, इस चुनाव में क्या मुद्दा लेकर आप जनता के बीच जाएंगे और किस बिहार पर वोट मांगेंगे? क्योंकि अभी से ही आप देखिएगा कई प्रत्याशियों की जो है पूर्व भावी प्रत्याशी के तौर पर नजर आने लग गए हैं, तो ऐसे में क्या मुद्दा लेकर जनता के बीच आपका जाना होगा? देखिए, हम विकास पर बात करते हैं। हमने 5 साल में जनता के साथ सही काम किया है, विकास करने का हर समस्या का निदान किया है, जनता का हर समस्या के संबंध में हमने जितने भी मांग रखा पदाधिकारी के पास उन्होंने पूर्ण करने का काम किया। हम जनता जनार्दन हमारी मालिक हैं, हम और जनता में हम पूरा विश्वास है, हमने जनता का काम किया है और जनता भी हमारे ऊपर विश्वास करती है और हमें चुनाव में कोई भी भावी मुखिया आए जनता जनार्दन मालिक है, जनता हमें विश्वास है वो सही आदमी का ही चयन करेगा। लगातार आपका दौरा रहता है ब्लॉक के तरफ भी और आज भी आप ब्लॉक पर थे जब हम यहाँ आए, क्या कुछ अभी की नीति है जो कार्यकाल बचा हुआ है उसमें किन चीजों पर आप जोर दिए हुए हैं कि ये काम करना है, जल्द से जल्द करना है, इसी कार्यकाल में करना है? देखिए, जनता के पास जो भी समस्या है हम सारी समस्या को लेकर काम करते हैं, हम जनता की एक भी समस्या को हम छोड़ते नहीं, क्योंकि जनता ने हमें बनाया है, धूप में वर्षा में खड़ा होकर उन्होंने एक विश्वास के साथ उन्होंने अपना वोट मुझे दिया है। अगर हम जनता का काम नहीं करें, हम सही मायने में समाज सेवा नहीं। चलिए, काफी निचले पायदान पर जो है ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ाव का पद है मुखिया और यही जाके एक प्रतिनिधित्व का काम करती है अपने क्षेत्र के, अपने ग्रामीणों की, अपने मतदाताओं की मांगों को सरकार तक पहुँचाने के लिए। आप ये बताइए, क्या आपके क्षेत्र में आपको लगता है कि जो इंदिरा प्रधानमंत्री आवास योजना अभी वर्तमान में चल रहा है और खुले में शौच मुक्त के लिए अभियान चलाया गया, शौचालय आवंटित हुआ, कितने आवंटित आपके द्वारा किए गए और अभी क्या आपका क्षेत्र कहा जाए कि खुले में शौच से मुक्त? हाँ, खुले से शौच मुक्त। और कितने आवास आवंटित किए गए? 450 से अधिक आवंटित किए गए हैं। तो विमल जी हैं, युवा चेहरे हैं और वर्तमान समय में सुमुखिया के मुखिया हैं, आप कह सकते हैं हायर एजुकेशन है, आप हायर पास आउट हैं। हाँ, हायर पास आउट हैं। और एक तरह से जो सपना है माननीय मुख्यमंत्री जी का, बिहार सरकार का, कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास से ही संभव है शहरीकरण करना और शहर का विकास संभव हो पाएगा, इन सब मुद्दे को लेकर सुमुखिया के मुखिया
बिमल कुमार सोरेन जी लगे हुए हैं और आगामी चुनाव में इन्हें उम्मीद है कि फिर से जनता के बीच विकास के मुद्दे को लेकर जाया जाएगा। लगातार पंचायत चुनाव पर हमारी नजर बनी हुई है और हम हर जगह की खबर आपको दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन अंबुज के साथ अभिषेक कुमार।